इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लीलावती मौर्य, जिनको प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र को लोकार्पण के बाद में उसकी प्रति सौंपी है। लीलावती जी, प्रधानमंत्री ने आपको जो है संकल्प पत्र की जो है प्रति भी सौंपी है, आपने क्या फायदा, आपको किसी योजना का कुछ फायदा मिला था? हम लोग को महातारी वंदना से बुलाए हुए हैं, हम लोग को महातारी वंदना मिला है, उज्ज्वला योजना मिला हुआ है, गैस सिलेंडर मिला हुआ है, अभी वो मुफ्त में चावल मिल रहा है। अभी मोदी जी से हम लोग को बहुत सारा लाभ मिल रहा है। हमारे बस्तर जिले में केदार भैया अभी वन मंत्री है, उसको भी वो भी हमारे काम अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी जो लगातार जिन योजनाओं की बात कर रही है, कह रही है कि लोगों तक पहुंच रही है, आप लोगों तक पहुंची है, बस्तर जिले में भी पहुंची है? जी पहुंची है जी, अच्छा से लाभ मिल रहा है। सभी महिलाओं दीदी लोगों को भी महातारी वंदना पहुंचा है और बाकी जन को भी अभी नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री ने जो है आज जिन घोषणाओं का जिक्र किया है, जिन चीजों का जिक्र किया, आपको लगता है कि जन जन तक पहुंचने वाली योजनाएं और लोगों को सीधा फायदा मिलेगा? जी मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र को लॉन्च करने के बाद में, लोकार्पण के बाद में, सबसे पहले आप ही लोगों को जो है आप लोगों के हवाले कर दिया है, इसको कैसे देखते हैं? कि अभी हम लोग दीदी पकड़ी है, मैं नहीं देखी हूँ, देखने से पता चल जाएगा कि मैं घर जाके बताऊंगी। मोदी जी से मिली, हम लोग को पत्र कर दिया है, वो तो हम मिले तो अच्छा लगा, बोल के बता दूंगी। तो साफ तौर पर ये वो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र को के लोकार्पण के बाद में सबसे पहले प्रति सौंपी थी और यही बताया है कि किस तरह से जो योजनाओं का आपको फायदा मिलता रहा है और किस तरह से जब मोदी सरकार वापसी करेगी सत्ता में तो उसको जो है इन लोगों का फायदा और उनको अलग अलग योजनाओं का फायदा मिलेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।